Sir Gaur will explain why that was good. Ji, Farmai. The 3-3 petition had actually been filed when Election Commission was trying to remove the chairman, Imran Khan, from the position of chairmanship of the PTI. And they were making their excuse. आप देखें ना, अब आपने आगाजी बात का controversial statement से किया है. No, Your Honor. आप हमें सिर्फ ये बता दें कि वो जो petition आपने जो file की थी, जब वो क्यों pend हो गई? उसको आपका क्या बना? आपने उसको जिंदा क्यों रखा है? Your Honor, वो उसके साथ club है, वो same petition है, disqualification का issue है, क्योंकि इसमें chairman ने election नहीं लड़ा. इसलिए वो उसके साथ हमने club करवाया कि legal issue पे, legal issues पे, yes. 332 है. Yes, Your Honor. खान साहब मुझे बात समझ नहीं है, आप मुझे समझा दें खान साहब. आई हैव नॉट अंडरस्टूड, जरा मुझे नहीं, जरा समझा देना बात. मैं समझ नहीं आ रही बात की जाए. हमने वो पिटीशन उसके साथ इसलिए क्लब करवाया कि जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने दी थी. पहले बताएं 332 है क्या? 332 वो पिटीशन है जिसमें हमने चेयरमैन पीटीआई के रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप के केस के सिलसिले में जो नोटिस आया था उनको, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया था इमरान खान को. यस, तो उसका तो इससे इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है ना. योर ऑनर, डिस्क्वालिफिकेशन का केस चला रहे थे कि हम क्यों ना आपको रिमूव करें फ्रॉम चेयरमैनशिप. वो तो हम बात समझ गए, वो केस ऑर्डर है ना. यस योर ऑनर, इससे तो कोई ताल्लुक नहीं. इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आप. योर ऑनर, ताल्लुक है. वो डिस्क्वालिफिकेशन का बेस बना के चेयरमैनशिप से हटाना चाह रहे थे. इसमें जब नोटिस आया कि आपके इलेक्शन नहीं हुए, तो उसमें उन्होंने वो फैक्ट्स का जिक्र किया, लीगली इनकरेक्ट कराया. तो जब कोर्ट में चला गया, कोर्ट में पढ़ा गया, तो उन्होंने कहा सेम इश्यूज इन्वॉल्व है, लिहाजा लीगल साइड पे उसके साथ अदर क्लब कर देते हैं. अदरवाइज वो इंफ्रक्चर हो चुका है, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट किया टू द एक्सटर्न ऑफ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन. तो अच्छा, एक सेकेंड है, एक सवाल और उठेगा. जी योर ऑनर, एक मैटर, आपने खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, 5 मेंबर बेंच बनवाई, इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं. आपका मौकफ था इलेक्शन सही हो गए, फिर आपने कहा चलो फिर भी कर देते हैं इलेक्शन दोबारा, खुश हो जाएं. तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते हैं ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? योर ऑनर, हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे. इलेक्शन पेशावर में करवाए थे, तो उससे तो कोई मतलब योर ऑनर, मेजॉरिटी ऑफ रीजन, मेजॉरिटी ऑफ रीजन. खान साहब जरा मुझे समझ नहीं. योर ऑनर, मैं कानूनी, हम क्यों गए थे योर ऑनर? फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे. इस्लामाबाद में हमारी लीडरशिप आ नहीं सकती. आपने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं इस्तेमाल किया. मैं ये योर ऑनर सिर्फ एक मिनट, अब आप देखिए ना, एक कोर्ट के पास एक लिस्ट पेंडिंग है. यस योर ऑनर, इलेक्शन ही के मुताबिक है, और ना सिर्फ आम बेंच है, उन्होंने 5 मेंबर बेंच आपके लिए बना ली है. जी, अब वो मैटर पेंडिंग होते हुए दूसरा हाई कोर्ट देख कैसे सकता है इस बात को? ये इसका जरा कानूनी जवाब दे. योर ऑनर, मैंने आरएस ये किया कि टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई जब हमने उसको इंप्लीमेंट किया. पर वही ऑर्डर है ना, ऑर्डर तो वही इलेक्शन कमीशन का. योर ऑनर, वही ऑर्डर है, उसको जब हमने अमल कर लिया उस पे, जब हमने इंप्लीमेंट किया, तो हमने इलेक्शन कराए पिशावर में. पिशावर में इलेक्शन ना इंस्ट्रक्शन समझ गया. ये मेरे हिसाब से आपकी बात लॉजिकल है, मगर इस ऑर्डर में आपके वकील ने कहा कि नहीं इंस्ट्रक्शन हुई है. योर ऑनर, वो लीगल साइड पे इंस्ट्रक्शन दोबारा पढ़ते हैं ऑर्डर. सैयद अली जफर, एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द पिटिशनर, सबमिट दैट सिंस सिमिलर क्वेश्चन इज ऑलरेडी सब जुडिस बिफोर द लर्नेड फुल बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन WP नंबर 332 एंड अदर अलाइड मैटर्स, प्रोप्राइटरी डिमांड दैट इंस्टेंट पिटिशन बी आल्सो रेफर्ड टू द लर्नेड फुल बेंच. Yes, Your Honor. High Court has raised the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But if your counsel said that it is not sub judice, let it be fixed before the same 5-member bench. Your Honor, yes, to the extent of holding of intra-party elections. That is correct. Yes. According to legal situation, it has become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-party elections. But since the questions were involved, this is the divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, the legal questions involved in the petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and that's the reason that is being clubbed and referred to the full court. We held the election, they were full, the election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was unable even to come to Islamabad. Aapke apne election commissioner ne kaha they were not held in Peshawar, they were held in some place called Chamkani. Your Honor, humne arrangement karwaye the, inko security mangi, humne Peshawar. Ji, Your Honor. Ji, are you arguing as party, as counsel, what? Your Honor, jo aapki assistance ho sakti, main uska jawab hum there. To senior counsel as ji please na chah rahe hain. We have noted all the questions. Main sirf dekhiye Khan sahab, dekhiye I'm that
लेट्स गो बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. जी हम अभी उस पर नहीं आए कि आपने सही किया गलत किया, इन्होंने सही किया गलत किया. जी आप इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया, सही किया गलत किया वो भी हम नहीं देख रहे हैं. वो ऑर्डर को आपने जाके लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जहां से एक पहले से पिटीशन पेंडिंग पड़ी थी, आपने कहा इस पिटीशन को उसको साथ लगा लें चलें, ये भी ठीक है. आपकी रिक्वेस्ट पे लार्जर बेंच बना दें, उन्हें 5 मेंबर बेंच बना दी. फिर अली जफर साहब पेश हुए और उन्होंने कहा जी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अब तो आपने इलेक्शन कर लिए तो अब आप ये पिटीशन इसको ख़त्म कर दें. उन्होंने कहा नहीं, इसको आप रखिए सब जूडिस विद फुल बेंच. अब ये मैटर इलेक्शन का मैटर है, चलें. अब या तो आप इंतज़ार करते कि हाई कोर्ट, या तो आप इसको वापस ले लेते, वो आप नहीं कर रहे हैं.